हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के मॉडर्न इतिहास के बारे में। जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है। इस वीडियो में हम उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि फार्माकोलॉजी का जब डेवलपमेंट हुआ, मतलब एक बार जब फार्माकोलॉजी इस्टेब्लिश हो गई तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके डेवलपमेंट में जिन लोगों ने अपना रोल निभाया वो कौन कौन थे, आज के वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फार्माकोलॉजी में रुचि है और जो फार्माकोलॉजी में एम फार्मा कर रहे हैं या इस एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे जो इंसान हैं उनका नाम है फ्रेंकोइस मिगेंडी, फ्रांस के रहने वाले हैं और इन्होंने ही मॉडर्न फार्माकोलॉजी की फाउंडेशन को रखा और इन्होंने ही फार्माकोलॉजी से रिलेटेड नए नए एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन किया जिससे कि हम ड्रग का एक्शन जो है वो देख सकते थे। मतलब हम यहाँ पर ड्रग के जो हम आज के डेट में जो हम एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग करते हैं और एनिमल्स के ऊपर जो ड्रग के एक्शंस को देखते हैं, उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखते हैं, उनको इस्टेब्लिश करने का जो श्रेय है वो फ्रेंकोइस मिगेंडी को ही जाता है। इन्होंने ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करे थे, मतलब ड्रग के एक्शन जो है वो एनिमल्स के ऊपर हम चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करने का जो श्रेय है वो फ्रांस के इस वैज्ञानिक को जाता है जिनका नाम है फ्रेंकोइस मिगेंडी। अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये हैं जर्मनी के रहने वाले और इनका नाम है रुडोल्फ बुचिम। ये जर्मनी के एक फार्माकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ही मॉडर्न फार्माकोलॉजी के अंदर अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिए हैं। मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और की डेवलपमेंट जो था वो इन्हीं के द्वारा हुआ था। बेसिकली ये जर्मनी की डॉर्पेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और इन्होंने ही दुनिया का पहला फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि फार्माकोलॉजी में इनका कितना बड़ा योगदान है। हमारे जो अगले साइंटिस्ट हैं ये भी जर्मनी के ही रहने वाले हैं जिन्होंने मॉडर्न फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया। देखिए आप जर्मनी का कितना ज़्यादा नाम आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जर्मनी कितना ज़्यादा डेवलप्ड था और इन्होंने खासकर फार्मा सेक्टर के अंदर कितना बड़ा योगदान है इस देश का। क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो हैं वहाँ पर जर्मनी हर जगह ये वर्ड आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि खासकर मेडिसिन के अंदर जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है और उसी देश की वजह से आज मेडिसिन जो है वो आज इतनी ऊपर तक पहुँच पाई है। तो आगे बढ़ाते हैं, तो इन साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिच सर्टनर इनका नाम है और इन्होंने ही सबसे पहले किसी ड्रग को आइसोलेट किया था किसी प्लांट से और ये ड्रग थी मॉर्फिन। जी हाँ, मॉर्फिन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था एक प्योर फॉर्म में और इसको आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच सर्टनर। अगले जो पर्सन हैं इनका खासकर जो एक्सपेरिमेंटल साइंस होता है उसमें इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस बोला जाता है। फ्रांस के रहने वाले हैं, मतलब फिर से फ्रांस का नाम आ गया, फ्रांस के रहने वाले हैं और इनका नाम है क्लाउड बर्नार्ड। और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी ड्रग के साइट ऑफ एक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। तो इन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया था कि जैसे भी जो पॉइजन्स से भरे हुए जो तीर होते थे जो पहले लोगों को छोड़े जाते थे युद्ध में या जो जंगल में जो आदिवासी होते थे, जब वो अपने तीरों को जो कि उन तीर के जो आगे का जो मुँह होता था उसमें जहर लगा हुआ होता था और जब वो किसी इंसान को लगता था तो तीर के लगने के साथ साथ वो जो जहर था वो भी किसी इंसान के शरीर में फैल जाता था। तो उस साइट ऑफ एक्शन को इन्होंने पहचाना था और इन्हीं के द्वारा वो आइडेंटिफाई किया गया था। और इनको एक नाम और दिया जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैन ऑफ साइंस। मतलब मेडिसिनल में इनका नाम बहुत इज्जत के साथ और रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है क्योंकि जो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन भी बोला जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंट्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है फार्मा सेक्टर के अंदर। हमारे जो अगले साइंटिस्ट हैं ये भी जर्मनी के रहने वाले हैं और इनका नाम है ओस्वाल्ड शेडिनबर्ग और इनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी बोला जाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही फार्माकोलॉजी से रिलेटेड एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था। मतलब इन्हीं के द्वारा ही ये बताया गया था कि फार्माकोलॉजी अपने आप में एक पूरी एक साइंस है जिसको अलग तरीके से या सेपरेट पढ़ाना चाहिए। जैसे आज हम फार्माकोलॉजी में एम फार्मा कर रहे हैं या फार्माकोलॉजी को अलग से पढ़ते हैं एज एक सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोला जाता है क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से फार्माकोलॉजी अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कितना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना और इसको डेवलप करना, ये इन्हीं के द्वारा बताया गया था। और इन्हीं के द्वारा फार्माकोलॉजी को अलग से एज ए सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना स्टार्ट किया और इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था फ्रांस में। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग। इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने फार्माकोलॉजी को अलग से एज ए डिपार्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया और अलग से एज ए सब्जेक्ट या एज ए डिसिप्लिन कह सकते हैं पढ़ाना स्टार्ट किया। अब अगला नाम जो आ रहा है वो एक ऐसे देश का आ रहा है जो बहुत समय से तो अभी तक नहीं था, बट इसका आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा
देश, सबसे बड़ा देश मतलब पावर के हिसाब से, और वो है अमेरिका। और यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मॉडर्न फार्माकोलॉजी के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, इनका नाम है जॉन जेकब एबल। और इन्हीं के द्वारा ही अमेरिका के अंदर फार्माकोलॉजी से रिलेटेड पहला डिपार्टमेंट एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट किया गया। यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने फार्माकोलॉजी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, मतलब इनके द्वारा वहाँ पर फार्माकोलॉजी को एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, एज अ सेपरेट सब्जेक्ट से की तरह पढ़ाना स्टार्ट किया गया। तो मिशिगन यूनिवर्सिटी में इन्होंने फार्माकोलॉजी को अलग से पढ़ाना स्टार्ट किया गया, बट फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट इन्होंने एक दूसरी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया, वो यूनिवर्सिटी थी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इन्होंने फार्माकोलॉजी का पहला डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, और साथ ही साथ इन्हीं के द्वारा ही पहला जर्नल जो था वो को फाउंडेड किया गया फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, जिसका नाम था फार्माकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल थेरापेटिक्स। 1909 में ये जर्नल स्टार्ट किया गया, और इनको स्टार्ट करने वाले मतलब इसके जो को फाउंडर थे वो एबल ही थे। अब जो हमारे आखिरी साइंटिस्ट हैं जो कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी से रिलेटेड हैं, इनका नाम है मेयर्स जोन्स। और बेसिकली ये वेटरनरी फार्माकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, मतलब फादर ऑफ वेटरनरी फार्माकोलॉजी। और इन्हीं के द्वारा ही वेटरनरी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो पहली बुक थी वो इन्हीं के द्वारा ही लिखी गई थी और पब्लिश की गई थी। तो इनका नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी फार्माकोलॉजी की बात करी है वो हमारे इंसानों से रिलेटेड है, वेटनरी के बारे में आपसे बात नहीं की। तो मैंने आपको बता दिया कि मेयर जोन्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेटनरी फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंस बताई और उससे रिलेटेड बुक भी पब्लिश करी। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप कोशिश करी है कि मैं आपको फार्माकोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में बताऊं, उन लोगों को बताऊं जो कि अनसंग हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन लोगों के बारे में आपने ना किसी किताब में पढ़ा होगा ना क्लासरूम में इसके बारे में डिस्कशन हुआ होगा, बट इन लोगों के बारे में जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम केवल फार्माकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं बट इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ ये अपने आप में एक साइंस है और कितना इंपॉर्टेंट साइंस है, क्योंकि हम फार्मेसी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी फार्माकोलॉजी बहुत जरूरी है। वैसे ही जो MBBS जो डॉक्टर्स करते हैं वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फार्माकोलॉजी अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये कैसे डेवलप्ड हुआ, इस फार्माकोलॉजी के डेवलपमेंट में किन किन लोगों का योगदान था, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं, और भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊं, उसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन सब्जेक्ट्स को बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यहीं बने रहिए मेरे साथ।